बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ताजर बरादरी की आज मुल्कगीर हड़ताल। कौन सी मार्केट बंद होगी, कौन सी खुलेगी? जमात इस्लामी की कॉल पर लाहौर की ताजर बरादरी दो धड़ों में तकसीम। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली, दीगर मार्केटों के सदूर बाजार बंद रखने के हामी। सदर बदामी बाग, ऑटो मार्केट, चेयरमैन फिरोजपुर रोड का भी हड़ताल करने का ऐलान। अंजुमन ताजरा नई मीर ग्रुप से मुंसलिक ताजर मार्केट्स खुली रखने के हक में। सदर शाहदरा बोर्ड खलीलुर्रहमान और नायब सदर हाल रोड का मार्केट खोलने का ऐलान। सदर पंजाब रिटेलर्स पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल से ऐलान लातालुकी। बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज तारीखी हड़ताल होगी। आईपीपीज़ को मसीद नहीं पाल सकते, आवाम को रिलीफ देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बलूचिस्तान में होने वाला वाकया काबिले अफसोस है। हमने कभी दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। इस मामले पर बलोच लीडरशिप से बातचीत होनी चाहिए। बिजली के हवाले से कोई रिलीफ देने में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स सबसे बड़ी रुकावट। नजरिया ज़रूरत के लिए लगाए गए आईपीपीज आज अशराफिया की ज़रूरत बन चुके। इनसे किए गए अजीबोगरीब और नाकाबिले फहम तारीखी मुआहदे ऐसे हैं कि दुनिया में इन जैसी नज़ीर नहीं मिलती। कैपेसिटी चार्जेस बिजली सारफीन के लिए वबाले जान बन गए। दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस सबसे ज़्यादा, कुदरती गैस पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस सबसे कम। दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस 84.30 रुपये फी यूनिट हैं, कुदरती गैस पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस 5.50 रुपये फी यूनिट हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूबी नहीं, मौजूदा पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, 12 साल मुखालफत रही, दोनों में मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, एपेट रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, रेलवे स्टेशन, डेविस रोड, माल रोड के इलाकों में भी बारिश। कहाना, नश्तर कॉलोनी, चुंगी, अमर सदू और एतराफ़ में भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की 5 नई तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर, वाघा, शालीमार, रावी और लाहौर सिटी में तहसीलें होंगी। तहसील रायवंड में 51, तहसील अलामा इकबाल में 19 मौजूदात शामिल। तहसील लाहौर कैंट में 35, जबकि तहसील सदर में 62 मौजूदात शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की समरी की बाकायदा इजाज़त दी। वज़ीर आला मरीम नवाज आज स्पोर्ट्स पंजाब के एंडोनमेंट फंड का इफ्तिताह करेंगी। इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ खेलों से उभरते खिलाड़ियों को महाना फंड दिया जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 15 खेलों के मुकाबलों से 200 खिलाड़ियों का इंतखाब किया। उस्ताजा के तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसी का फैसला। दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 5 सितंबर तक तौसी होगी। अब तक 12,000 के करीब उस्ताजा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई। दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला 20 अगस्त से शुरू हुआ था। महकमे खुराक को 66 साल बाद ख़त्म करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। महकमे फूड ख़त्म होने से खालिस गज़ा एक्ट, शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट, फूड कंट्रोल एक्ट जम कर दिए जाएंगे। महकमे फूड को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ वज़ीर आला मरीम नवाज़ को भिजवा दी गई। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नए महकमे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।